राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में शर्मसार करने का मामला सामने आया है। भोपाल के गांधीनगर स्कूल संचालक के बेटे ने घिनौना काम को अंजाम दिया है। बताया गया कि गांधीनगर में लक्ष्मी देवी सराफ एजुकेशन सोसाइटी चलाने वाले के बेटे ने घटना को अंजाम देते हुए 16 साल की नाबालिग मासूम को अपनी हवस का शिकार बना डाला। आरोपी कॉपी किताब दिलाने के बहाने घर से सीहोर रोड के हुक्का लॉन्च पर ले गया था और वहीं हुक्का लॉन्च में ही वारदात को अंजाम दे दिया। आरोप है कि नाबालिग के कपड़े उतारकर फोटो खींच फिर दोस्तों के साथ संबंध बनाने को मजबूर भी किया गया है। आरोपी के पिता संत हिरदाराम ट्रस्ट के बड़े अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। अब पूरा मामले में भोपाल के महिला थाना में मामला दर्ज हुआ है। FIR के अनुसार धारा 363, 366, 376, 506 धाराओं के साथ मामला दर्ज हुआ है। क्या घटना हुई थी आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी के साथ रमेश रिंगोरानी का लड़का मोहित रिंगोरानी ने गलत काम किया है। मेरी ये है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि वो फिर किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करे। अभी हम ऐसे मतलब हो गए हैं कि हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है, हाँ हमारी बदनामी हो चुकी है। बड़े बड़े नेता उनसे मिले हुए हैं, जैसे रामेश्वर शर्मा, बहुत बड़े बड़े अधिकारी है, मैं नाम नहीं बताना चाहती उनके। और थाने में हमारी सुनाई नहीं हुई है। थाने में वो पहले ही फ़ोन लगा देते हैं, यदि ये लोग आते हैं तो उनको पहले भगा देना, नहीं तो उल्टा इनके पापा के ऊपर केस करवा देना। अभी मेरे पति के ऊपर धमकियाँ दे रहे हैं कि तेरे को ऐसे केस में अंदर करा देंगे कि तेरे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ हम क्या करें बताओ? क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दिए जाए, जो ताकि किसी लड़की के साथ ये नहीं करे। था हम सब फ्रेंड्स घूमने भी जाते थे, बहुत से बातचीत होती रहती थी। 19 तारीख को जब मैं बुक्स लेने गई थी मार्केट, तो मोहित मुझे वहाँ पर मिला था। उसने बोला तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने बोला मैं मेरी बुक्स लेने आई हूँ। तो उसने बोला कि चलो मैं तुम्हें सस्ती बुक्स दिला देता हूँ। मैंने मना करने के बाद वो जिद करने लगा, तो मैं उसके साथ बैठ के चली गई। अब वो मुझे सीहोर रोड की तरफ ले गया, वहाँ पे एक कैफ़े था, उसका नाम मोमेंट रेस्टोरेंट था। तो मैंने बोला यहाँ क्यों लाए हो? तो उसने बोला कुछ खा पी कर चलते हैं बुक्स लेने। और नीचे रिसेप्शन में एक अंकल से बात कर रहा था और एक लड़का भी था वेटर, तो मैं ऊपर की ओर ले गया जहाँ पे बहुत सारे रूम बने हुए थे। तो मैं देख के डर गई और मैंने बोला कि घर चलो, यहाँ पे क्यों आए हो? तो उसने बोला कुछ खा के चलते हैं, और लड़के को पैसे दिए और सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक लाने को कहा। और कोल्ड ड्रिंक जब मैंने पी तो मेरे को अजीब सी लग रही थी। मैंने मोहित को यही बात बोली तो मोहित ने बोला मुझे ठीक लग रही है, वो सारी कोल्ड ड्रिंक मुझे दे दी, मैंने पी ली। थोड़ी देर में मेरा सर घूम रहा था, मुझे सब डबल डबल कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं बेहोश भी हो गई थी। इनफैक्ट जब मैं उठी तो तब मैंने देखा कि मोहित मेरे पास में था और मैं भी ऐसे बिना कपड़ों के थी, और उसने ज़बरदस्ती मेरी फ़ायदा उठाया है बेहोशी का। उसने मेरे साथ ऐसा गलत किया है। जब मैंने उसे रोते हुए कहा कि मैं सारी बातें अपने घर पे बता दूँगी, तो उसने मुझे कहा कि अगर तूने ये बात बताई है तो मैं तेरे फोटोज़ वीडियो सब में फैला दूँगा, मुझे बदनाम कर दूँगा, तुझे जान से भी मार सकता हूँ। ऐसे डराते डराते मुझे लेते हुए आया।